हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज चैनल। तो आज लोगों ने पूछा कि इंक रिफिल कैसे करना है, बाद में उसको इंक टैंक रिसेट कैसा करना है। तो टैंक रिसेट कैसा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैंक को कैसा रिसेट करना है, कि मतलब आपने जब भी इंक फिल किया तो टैंक रिफिल होने के बाद उसको अपडेट कैसा करना है कि फुल हो चुका है, क्योंकि ये जो प्रिंटर है, दिस प्रिंटर इज़ फुली सेंसर बेस्ड, सो इसलिए इसको हम लोगों को कैसा टैंक रिफिल करने के बाद अपडेट करना होता है वो सभी मैं बताऊंगा, और कौन से इंक के कार्ट्रिजेस आपको परचेस करने हैं इस को, तो वो भी बताऊंगा। तो इसके साथ मैं करूंगा इंक की अनबॉक्सिंग, प्लस आपको रिफिलिंग भी दिखाऊंगा। तो दिस इज़ एन इप्सन इंक, जो ब्लैक इंक है, दिस इज़ अ जेन्युइन इप्सन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में आप जब भी परचेस करते हो कोई भी इंक, तो उसमें आपको डुप्लीकेट भी मिल सकता है, ओरिजिनल मिल सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये देखिए, ये जो इंक का QR कोड है, यहाँ पे इप्सन का प्रिंटिंग है, QR कोड है। तो आपको जब भी परचेस करो तो ये टाइप में आपको बॉटल दिखना है, इप्सन विथ बार कोड, बाद में यहाँ पे उसका डिटेल, ये उसका MRP कितना है, ब्लैक इंक का है 899, ठीक है। तो ये आता है 127 ml का, तो आप लोग देख सकते हो। तो सभी आपको इंस्टेंट ड्राइंग, वाटर रेजिस्टेंट डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल बिजनेस क्वालिटी प्रिंट्स, प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट क्वालिटी, लॉन्गिविटी ऑफ द प्रिंटर, बाद में सुपर स्विंग्स विथ एक्सट्रीमली हाई पेज यील्ड, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, ये टाइप की इसके इंक्स आते हैं। तो हर जब भी आप कोई भी इंक परचेस करो इस प्रिंटर के लिए, तो आपको इस टाइप का QR कोड नेसेसरी है। अगर आपका ये QR कोड आपको नहीं मिलता है, और अगर ये QR कोड स्कैन करने के बाद अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि मोबाइल पे ये QR कोड स्कैन करने पे ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो ये डेफिनेटली चेक करें जब भी आप प्रिंटर, या फिर आप लोग प्रिंटर के साथ ये हो सकता है, माल फंक्शन हो सकता है। तो इसलिए कोई भी दूसरा इंक यूज़ ना करें, कंपनी का ही यूज़ करें। तो सभी के ऊपर सेम इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, उसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। तो सारे इंक के ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जेन्युइन इंक है, 001 बार कोड वाला इसको इंक लगता है, और इनका भी आप प्राइसिंग देख सकते हो, 409। कोई भी आप छोटे कलर्स वाले इंक लो, 409 रुपीज़ का एक आता है, तो 409 और इसका 899। ब्लैक वाला जो है महंगा है थोड़ा, तो ऐसा है। तो इसको एक सेपरेट नॉजल आता है, एक्चुअली मैंने खोल के रखा है, आप लोग देख सकते हो, ये ओपन है ऑलरेडी, यूज़ कर चुका हूँ उसको, मेरे को थोड़ा इमरजेंसी था, तो ये सब सील्ड पैक में आएगा, तो ये टाइप का रहेगा। और इसका खासियत क्या है, इसका जो ऊपर का नोज़ल जो है ना, ये कुछ अलग टाइप का ही बना है, ये ना गिरेगा ना कुछ होगा, क्यों बोलते, ये जब भी उसको कनेक्ट होगा वो कनेक्टर में, तभी ये यूज़ हो सकता है, तब तक नहीं होगा। तो ठीक है, तो सब भी हम लोग अभी इसको इंक रिफिल करते हैं। चलिए, पहले हमको प्रोसेस क्या करना है, ये प्रिंटर को ऐसा उठाना है, ये प्रिंटर को ऐसा उठाना है, ठीक है। तो प्रिंटर को जब भी आप ऐसा निकालोगे, तो आपको कुछ अंदर से इस तरह से लुक मिलेगा, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्लैक CMY सभी लिखा हुआ है, और ये बार कोड वाला इंक ही लेना है। जैसा अभी देखो 001 है, तो मेरे सारे इंक जो है 001 वाले ही है, तो वो कोड का ही इंक लेना है आपको। तो यहाँ पे भी आपको प्रोसेस दिखा देंगे सभी, तो मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कि कैसा डालना है कुछ, ठीक है। तो आपने ये खोल लिया, यहाँ पे एक कैप दिख रहा है, इसको ओपन कर लिया, ये वाला ब्लैक इंक है 001 वाला, 899 रुपीज़ का,
ये ब्लैक वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक, मैंने फर्स्ट वाला निकाला और मैंने क्या किया, अभी देखो यहाँ पे इंक लेवल इतना सही है, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ इसको ऐड, देखो नहीं गिर रहा ना कुछ भी, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं गिर रहा है। अभी इसमें जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ प्रेस, देखो इंक लेवल बढ़ रहा है। इसको प्रेस करके रखना है, तो जब तक इंक खाली होगा तब तक आप लोग देख सकते हो धीरे 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 सबका इंक लेवल बढ़ रहा है, मतलब इंक जा रहा है अंदर। इसका कुछ यूनिक नोज़ल बनाया उन लोगों ने कि कोई दूसरा इंक ना यूज़ करे कोई, मतलब जिन्हें इंक यूज़ करना है, इसलिए उन्होंने इस टाइप का कुछ नया बॉटल बनाया है। तो देखो अभी धीरे 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 सभी इंक बढ़ रहा है, थोड़ा प्रेस करके रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। अभी भी है उसके अंदर इंक तो बढ़ रहा है, देखो टैंक फुल हो गया मेरे ख्याल से, इंक है अभी थोड़ा उसमें तो रखा हूँ मैं, जितना जाता है जाने दो। ठीक है ये तो ख़त्म हो गया, अभी है इसके अंदर मरो नहीं ले रहा है, अभी इसके अंदर है थोड़ा इंक, वो फुल हो गया ना तो अंदर ले नहीं रहा है, तो आप देख सकते हो बॉटल तो खाली हो गई, थोड़ी है इसके अंदर इंक। अभी नेक्स्ट है केन कलर, ठीक है तो हम लोग इसको भी खोल देते हैं। अभी पैकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है फाइलों की, आप लोग देख सकते हो फुल्ली वैक्यूम सील्ड है, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो वैक्यूम सील्ड है, तो मेरे को इसको कटर यूज़ करना पड़ेगा निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है ये आप देख सकते हो इप्सन केन कलर, तो अभी सी वाला यहाँ पे है, ऊपर भी लिखा है सी है यहाँ पे, तो मैं सी वाले में डाल रहा हूँ। आप चाहे तो देख सकती है यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन कोई भी हो गया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सी लिखा है ना, तो सी यहाँ पे है तो वो कलर में आपको डालना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया हुआ है, अगर आपको अभी मैंने ब्लैक डाला, अभी मैं डाल रहा हूँ केन कलर, तो यहाँ पे सी लिखा है तो सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे वाई है, तो आप लोग मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा इंक कभी रिफिल करना है, ठीक है। तो कोई ऐसी टेंशन वाली दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कैसा इंक फिल करना है, तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं केन कलर डाल रहा हूँ सी वाला, ठीक है। तो इसको ओपन कर देते हैं, देखो ब्लू वाला है, ये भी इंक नहीं गिरेगा, वैक्यूम सील्ड था ना, तो ये इन्होंने कुछ अलग ही नोजल किया, अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको प्रेस किया, अभी देखो अभी ये रिफिल हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये फिल होने के बाद आपको टैंक रिसेट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो किस तरह करना है क्या करना है आप सब लोग देख सकते हैं कि कैसा इंक रिफिल होता है। तो रिफ़िल होने में थोड़ा टाइम लेता है, अपने आप ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये थोड़ा पहले वाला जो था ना वो बॉटल बड़ा था, तो उसका नोज़ल थोड़ा लूज था, इसका क्या ऑटोमेटिक ये टाइट पकड़ ले रहा है, मतलब अभी देखो अब जा रहा है अंदर, वैसे की ज़रूरत नहीं कि थर्ड और मतलब इसका शायद नोज़ल उन्होंने थोड़ा लूज रखा है, उनका तो टाइट है तो ऑटोमेटिक ही खींच ले रहा है, ठीक है। तब तक करते हैं हम दूसरा अनबॉक्सिंग, मतलब मैगेंटा है ना थर्ड वाला, तो मैगेंटा खोलते हैं तब तक। तो ये हमने खोला मैगेंटा, ठीक है, हमने इसको फाड़ा, ये निकाला, ठीक है। देखो ये भी वैक्यूम सील्ड है, ये जिनून कंपनी का है तो ऐसा ही आएगा, अनब्रांड का लोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, मतलब
प्रिंटर ही ख़राब हो जाएगा आपका। इसको फाड़ दिया तो हम लोगों ने इसको खोला, ठीक है, ये एम वाला है तो ये फिल हो गया शायद। हाँ, इसमें भी थोड़ा है, आधे के ऊपर है इसके अंदर, तो हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डालते हैं एम वाला, इसका फिल हो गया, इसका फिल हो गया, बचा एम। देखो ये भी वैक्यूम सील्ड है, ठीक है, और अपने आप ही खींचेगा, अभी सक्शन अपने आप ही हो जाता है तो इंक फिल हो जाता है। अभी बचा येलो कलर, ठीक है, येलो वाला खोलते हैं अभी। तो येलो वाले को आप देख सकते हो, Epson 001 येलो कलर है, तो इसको हमको निकालना है अभी। ठीक है, येलो का देख सकते हो आप, एकदम ही लाइट कलर है, ठीक है। और यहाँ पे भी QR कोड है, अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हो, अगर बॉक्स पे नहीं है तो। तो ये रिफिल हो चुका है, इसमें तो आधे के ऊपर बचा है मेरा इंक, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। अभी येलो का हम लोग रिफिल करते हैं, ठीक है, स्पिल प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप यहाँ पे हलने का आपको देख सकते हैं कि कैसा वाइब्रेट हो रहा है, इंक जा रहे का आपको दिख रहा है यहाँ पे। इनका एक अच्छा है कि आपको कितना इंक लेवल है पूरा दिख ही जाता है, तो एक इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया इसको। तो इतना सारा प्रोसीजर होता है इंक रिफिलिंग का, तो मैंने विस्तार से सारा वीडियो बनाया आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर कोई मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सारे इंक तो रिफिल हो चुके हैं, ये अभी भी हो रहा है शायद, ठीक है, इसके ऊपर ले रहा है वो, ये सारे प्रेस करना है ऐसा। आप लोग देख सकते हो इधर तक अभी इंक बचा है मेरा, आप लोग देख सकते हो इधर तक मेरा इंक बचा है, तो इतना भी इंक है मेरे को, नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो चलो सबको करते हैं पैक, रखते हैं साइड में। ब्लू वाले में भी आप देख सकते हो इतना बचा हुआ है, ठीक है, ब्लू वाले में इतना बचा हुआ है। ठीक है, अभी ये तो हो गया रिफिलिंग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारे भर चुके हैं, इसको करना है बंद। अभी यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन दिखाएगा, अभी इसको सरकते हैं टैंक रिसेट, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको ले जूम कर रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे फिल इंक टैंक विथ इंक अप टू द अपर लाइन, अपर लाइन तक हमने भर लिया है। यहाँ पे एक छोटा लाइन होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अपर लाइन है, तो ये सारे अप टू मार्क है, ठीक है, अपर लाइन तक भरा है हमने। तो अभी इसको हम लोगों को टैंक रिसेट करना है, तो मैंने इंडिकेशन ये ऑटोमेटिक, जब ये ऊपर उठाओगे आप, ये वाला जब ये ऐसा ऊपर उठाओगे ना, जैसा आप ऊपर उठाओगे तो इंक इंडिकेशन का दिखा देगा रिसेट लेवल,
तो आपको क्या करना है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको फिल टैंक टैंक विद द विथिंग अप टू द अपर लेवल हो गया, तो इसको करना है नेक्स्ट को ओके, ठीक है। अभी हमको करना है सेलेक्ट लाइक इसमें ओके, फिर इसको राइट ऑप्शन को, फिर इसको सी को ओके करना है, फिर नेक्स्ट दबाना है, फिर ओके करना है, फिर वाई वाले को भी ओके करना है। मतलब आपको यहाँ पे इंडिकेशन है ना, चार बटन है लेफ्ट राइट, तो राइट वाला बटन दबाते जाना और नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। बाद में नीचे को रिसेट है ना, तो नीचे का ये दबाना है, स्क्रॉल करना है नीचे को, फिर ओके दबाना है। रिसेट कंप्लीट, मेक श्योर दैट देर इज़ इनफ इंक इन द इंक टैंक। इफ़ इंक टैंक लेवल्स आर बिलो द लोअर लाइन, रिफिल इंक एंड रिसेट द इंक लेवल्स, ठीक है। डिसमिस करना है अभी, तो आपका ये रिसेट हो गया। और अभी इसको करना है क्लीन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैंक तो रिफिल कर लेते हैं मगर ये मिस हो जाता है कि टैंक को मतलब सिस्टम को क्लीन भी करना होता है ना। वो आपको बताता हूँ, आपको एक चाहिए हेयर ड्रायर ऐसा वाला कोई भी आपके घर में नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, इसको लगाइए और इसको अंदर से जस्ट इतना अंदर से क्लीन कर दीजिए, कुछ कचरा वगैरह होगा तो पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं ऑफ और करते हैं कुछ प्रिंट। ठीक है, मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट पड़ा है तो ब्लैक का ही प्रिंट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी ज़ेरॉक्स, देखिए आप ही बताइए डिफरेंस। ये वाला है ओरिजिनल, ये वाला है जेरॉक्स, ओरिजिनल से बेहतर जेरॉक्स आया है, तो क्वालिटी ऐसी है आप लोग चेक कर सकते हो, एकदम डिटेलिंग है, चेक कर लीजिए दोनों का प्रिंट। ये ओरिजिनल है, ये झेरॉक्स है, राइट साइड वाला झेरॉक्स है, लेफ्ट साइड वाला ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल से बेहतर झेरॉक्स आया है। तो ये इंक की क्वालिटी होती है कंपनी की, तो जब भी यूज़ करें कंपनी का इंक यूज़ करें और अपने प्रिंटर को अच्छी लाइफ दे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे भी दूसरी वीडियोज़ के लिए मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग, डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में टेक्निकल डिटेल्स देता हूँ, रिव्यूज़ देता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।